Hey guys, good evening and welcome to another video. Why? Why, Papa? Why are you using Alia Capi to wipe your camera? Don't do that. जब जूम हो जाता है ना तो वो ब्राइटनेस कम हो जाता है, नहीं ये फोकस नहीं कर पाता है ठीक से। अच्छा, अच्छा तो आज बेसिकली हम लोग जा रहे हैं पार्टी करने। ये हमारी गाड़ी है, यहाँ पे हम बैठे हैं और जाएंगे पार्टी करने। बेसिकली हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। तो यस, हम लोग आ चुके हैं घर पे वापस। तो गाइज मैंने अपनी गाड़ी बेच दी है, जीप ग्रैंड शेरोके 6.1 लीटर SRT8। तो फिलहाल एक महीने के लिए मैं ये गाड़ी चलाऊंगा। आई हैव बोरोड इट फ्रॉम माई फ्रेंड, तो ही इज काइंड इनफ टू गिव मी दिस कार फॉर 1 month बिकॉज दे आर गोइंग फॉर वेकेशन। तो डोंट यू थिंक दिस लुक्स प्रीटी कूल? इट्स सो ब्यूटिफुल, ड्राइव सो स्मूथ, मतलब इट ड्राइव्स लाइक अ ड्रीम, इट्स सो गुड। एयर सस्पेंशन, सुपर कम्फर्टेबल लेदर सीट्स, एवरीथिंग यू एक्सपेक्ट दिस डज हैव। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कार। थोड़ा दुख हुआ मुझे मेरी पुरानी गाड़ी बेचने का, बट इट्स ओके। पेट्रोल प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब पेट्रोल प्राइसेस ने तो गर्दन निचोड़ दी है। ऐसा लगता नहीं है वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे पेट्रोल, मतलब ये क्रूड ऑयल, ये ऑयल यहाँ से निकलता है, एंड वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री फॉर क्रूड ऑयल, लेकिन खुद के देश में इतना एक्सपेंसिव पेट्रोल। प्रियंका खाना खा के मज़ा आया? थक गई? प्रियंका की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। पूरे दिन हम लोग घर पे थे, दो दिन से हम लोग घर पे थे। आज हम लोग घर के बाहर गए और प्रियंका ने दबा के खाया। आज हमारा हाफ डे चीट डे था ना, एक हाफ डे चीट डे, ओनली फॉर डिनर। तो वो हाफ डे चीट डे किया हम लोगों ने और रास्ते में आते आते इसकी तबीयत इसको ख़राब लगने लगी। मुझे लग रहा है वो गर्मी और उसकी वजह से ऐसा हो गया होगा। और इतने दिनों से अगर तुम मीट ना खाओ, सिर्फ उबला हुआ खाओ, विदाउट सॉल्ट, विदाउट शुगर, नो वीट, नो ग्लूटेन, नो डेरी, तो हो ही सकता है ऐसा। मुझे वही फील हो रहा है कि इट वाज टू हैवी फॉर मी, नाउ आई एम स्ट्रगलिंग टू डाइजेस्ट। तो जो हम नॉर्मली दोपहर को घास, रात को ग्रीन्स और वो उबला हुआ चिकन खाते हैं, दैट्स मच बेटर। Now you feel that's much better, लेकिन जब तू normally ऐसा खाना खाती है, करी बना के, छोंक के। But मुझे लगता है अगर cheat day है, घर का खाना खाना चाहिए, still क्योंकि your digestion cannot take like मतलब वो कढ़ाई मटन और ये सब चीजें ना। It's not about वो जो हम गए थे तो grills खाने, kebabs वगैरह, but it was too heavy और I cannot digest. How was this new car for 1 month car? It's good. It's very smooth. मजा आया मुझे ride करके। बस फिलहाल ऐसा लगता है पहले तो ride quality ये सब चीजें सोचते थे, अभी भी सोचते हैं, but अभी petrol की। दोनों से petrol मैंने already उसके बारे में बात कर दी है। उसका ज़्यादा tension रहता है कि मतलब कि पेट्रोल ना खाए, थोड़ी बहुत राइड क्वालिटी इधर उधर होगी, चलेगा। मतलब कभी नहीं सोचा था कि यूएई में या मिडिल ईस्ट कंट्री में रह के पेट्रोल के बारे में सोचना पड़ेगा कभी भी। तो ये सीन है। बाय द वे, नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम लोग वी आर गोइंग फॉर ए कार शॉपिंग। तो हमारे पास एक महीना है गाड़ी डिसाइड करने के लिए कि हम प्री ओन खरीदेंगे या फिर शोरूम में जाके खरीदेंगे। तो मैंने कुछ गाड़ियाँ सेलेक्ट की हैं मेरे लिए। प्लान तो मेरा पहले था ताहो खरीदने का या फिर GMC यूको खरीदने का, लेकिन
इम्पॉसिबल. नो मोर 8 सिलेंडर, नो मोर 8 सिलेंडर. अभी मेरा क्या प्लान है, अब आप हंसोगे, मतलब एक बार ताहू की बात करो. अभी मेरा प्लान है या तो हुंडई सेंटा फे देख के आने का एंड चेक करने का इफ इट इज अवेलेबल इन दिस पार्ट ऑफ द, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट हुंडई सेंटा फे हाइब्रिड, नॉट नेसेसरीली वो मिडिल ईस्ट में भी वो गाड़ी भेजते हैं. तो यू हैव टू गो एंड चेक कि क्या अवेलेबल है और कितना टाइम लगेगा. कोई भी गाड़ी मतलब ऐसा नहीं है कि तूने ऑर्डर कर दी एंड यू जस्ट टेक डिलीवरी सेम डे और नेक्स्ट डे. किया सोरेंटो 3 महीने था, वी वेंट टू किया शोरूम तो 3 महीने था. तो ये ऑप्शन है, या फिर हम प्री ओन्ड में, हम मेरा ऑप्शन है फोर्ड एक्सप्लोरर. अगर प्री ओन्ड खरीदना, अगर नहीं खरीदना है देन हुंडई सेंटा फे. अगर प्री ओन्ड खरीदना है देन निसान पाथफाइंडर और ऑल दीज कार्स. आई मीन दे आर, मतलब मुझे कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें हम हमारा सारा सामान फिट कर सकें. करेक्ट, वी हैव लॉट ऑफ स्टफ, लाइट्स, कैमरा बैग्स, प्रॉप्स, सो मेनी थिंग्स. लाइक हमने पुरानी वीडियो में भी इसके बारे में काफ़ी बात की है. सो फ्यूचर में आपको कुछ गाड़ियों की वीडियो शायद देखने को मिल जाए. जस्ट लेट मी नो कि उतने का स्टूडियो बन जाएगा या उतने की ब्रांड न्यू गाड़ी आ जाएगी. हाँ. कुछ भी कर सकते हो, एक नया बिजनेस ओपन हो जाएगा. सो दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ. आई मीन आई डोंट नो विच पार्ट ऑफ विच टाइम ऑफ दिस यू नो मैनकाइंड वी आर लिविंग, समझ नहीं आता आजकल, है ना. मतलब क्या हो रहा है, लाइक पहले लोगों को लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. तो पहले लोग बोलते थे रहने के लिए क्यों इतना पैसा देना है, रह तो कहीं पे भी सकते हो, लोगों के पास जमीन और घरों की कमी नहीं थी. फिर लोगों ने जमीन घर महंगे पे करने शुरू कर दिए. फिर उसके बाद में पानी बेचना शुरू किया, पानी फ्री में मिलता था. अभी लोग ऑक्सीजन भी बेच रहे हैं. थोड़े दिन में पता नहीं लोग क्या क्या बेचना शुरू कर देंगे. मुझे लगता है आई डोंट नो, मतलब खाना नहीं बेचते थे लोग, खाना तो पहले ऐसे ही कोई भी खिला देता था पुराने जमाने में. अभी मतलब हर चीज खरीदने बेचने लग गए हैं सब लोग. देना पड़ता है ना, ऑक्सीजन लेनी पड़ती है अभी. फिर रेगुलर हो जाएगा, जैसे पानी रेगुलरली हम लोग खरीद के पीते हैं, फिर पानी भी ऐसे ही रेगुलर हो जाएगा, है ना. माई गॉड गाइज, कमेंट डाउन बिलो हाउ इज माई न्यू कार फॉर 1 month. थैंक यू टू अवर फ्रेंड्स जिन्होंने हमें ये गाड़ी दी है 1 महीने के लिए. एटलीस्ट इट्स अ बिग हेल्प. और लेट मी नो हाउ इज द कार. ऑल्सो लेट मी नो कि फ्यूल प्राइजेस फ्यूचर में कम होंगी कि नहीं, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, इन द कमेंट्स बिलो. एंड ऑल्सो लेट मी नो कि दिस वर्ल्ड विल बिकम मोर डिफिकल्ट प्लेस टू लिव. कि वील कीप एडिंग अप कॉस्ट एंड कॉस्ट एंड कॉस्ट एंड हर चीज इतनी मुश्किल हो जाएगी या लाइफ विल बी इजियर. और ये भी लेट अस नो कि आपके घर में भी बच्चे हैं तो ऐसे सामान फेंकना रहता है क्या और उठाना पड़ता है दिन में 100 बार और या नहीं. ये मैं 100 बार बैग में डालू और ये निकाल के बाहर फेंके. ओह माय गॉड. ओके गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. आई लव यू ऑल. इस दुनिया में बहुत बहुत नेगेटिविटीज हैं, और मत फैलाना, दिल में प्यार रखना, पॉजिटिविटी रखना. And that's it. That's what I want to say. किसी से घर से एक दिन बाहर निकलो तो ऐसा नहीं होता कभी भी, किसी ने घूर के ना भेज दिया हो, किसी ने कट मार के कोई गाड़ी के आगे से ना निकल गया हो, या कुछ ऐसी बात ना हो गई और किसी ने मिसबिहेव ना कर दिया हो. तो लेट्स नॉट हर्ट एनीवंस. इसने मुझे बांध दिया है अपनी रस्सियों से. आई डोंट नो इफ यू कैन सी ऑर नो, ये बॉल की आलिया पापा को नाका. My legs are locked. Wap up, wap up. मतलब मम्मी मम्मी नहीं करती कभी भी, हर समय पापा ही पापा, पापा ही पापा. अलिया पापा बन जाएगा ना बच्चे, डोंट डू दैट. ओ पापा को लगा. ओके, से बाय. थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. आई लव यू. Hope you have subscribed and liked this video, and yeah, hope everything is good with you. Hope you are doing really well, not affecting this petrol prices or rents. Rents have gone so high. My God.
I did not say anything about rent, but rent 10% of yes वो तो हम लोगों ने हमारे ओनर के साथ इतना बार्गेन किया तब जाके थोड़ा सा माने वो लोग, अदरवाइज है ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं रेत में कारावैन, क्या होता है उसको, कारावैन लेके रहना पड़ेगा कहीं पे. आई थिंक दैट विल बी द चीपेस्ट ऑप्शन इन द फ्यूचर. I mean still, then you will not have bijli ka bill, you will not have rent. At least itna to de sakti hai fir. Okay guys, thank you so much. See you, I love you, bye.